मेरा नाम शाइस्ता है और मैं आज दिव्या मैम से मिलने के लिए आई हुई थी, मैम को इको विलेज के बारे में कुछ बताने के लिए, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है। बट जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि मैम जो है वो एस्ट्रोलॉजर हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी मैंने फेस की जो कि मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल सही है। जैसे कि आज मैंने सुबह घर से निकलने से पहले समोसा खाने का प्लान किया हुआ था। जैसे ही मैं मैम के घर में इन हुई, मैम ने बोला कि शायसा तुम्हारे लिए समोसा मंगा देती हूँ। मैं बहुत शौक भी थी, फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में अगर इनको बताऊंगी तो शायद इनको ये ना लगे कि नहीं मैं ऐसे ही बहाना कर रही हूँ। बट उन्होंने मुझे समोसे के लिए पूछा और साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि मुझे कम चीनी की चाय मैं पीती हूँ। तो इसके बाद मेरा मन हुआ और भी बातें जानने का, तो मैंने अपने कुछ कलीग के बारे में उनसे पूछा, अपने बारे में उनसे पूछा, और मेरे दो तीन और कलीग हैं उनके बारे में पूछा, सीनियर्स के बारे में पूछा। तो उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बहुत सही बताई, बस वो चीज़ें जो शायद मैंने खुद भी नोटिस नहीं की हैं अभी उन लोगों में, तो वो मैं उनको कंफर्म नहीं कर पाई। बट जितनी चीज़ें मैंने नोटिस की हैं उन्होंने एक एक चीज़, मैंने बोला कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल सही चीज़ उन्होंने बताई। और उनसे ये मिली भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने मोबाइल नंबर से ये सारी चीज़ें बता दी मेरे बारे में। इन्होंने मोबाइल नंबर को देख करके सारी चीज़ें बता दी। तो मेरे साथ तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से मोबाइल नंबर देख करके और जो सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि अब मैं इनसे अपनी अपने बारे में और भी चीज़ें इनसे पूछूंगी। और थैंक यू। तो मैंने सिर्फ मैम को मोबाइल नंबर बताया, और मोबाइल नंबर जिन सीनियर का मोबाइल नंबर था मैम ने उनको पहले कभी नहीं देखा है, और मैम ने एक एक फीचर उनके बिल्कुल सही बताए हैं, यहाँ तक कि फेस कैसा है और चश्मा किस तरह का यूज़ करते हैं और रिंग पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, और कपड़ों के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, बहुत सारी चीज़ें मैम ने सिर्फ नंबर देख करके उनका मुझे बताया। और फिर उसके बाद मैंने उनको फ़ोटो दिखाया और एक एक चीज़ें बहुत मैच कर रही थी।